मोहब्बत करते हैं ना, वो तो बस बंद आंखों के साथ ही देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आंखें खोले ना तो सिर्फ फुफ्फो ही नजर आती है। डरता नहीं हूँ मैं, प्यार करता हूँ अपनी अम्मी से। हाँ, प्यार करते हो अम्मी से, इसीलिए ना अम्मी तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करने देती। क्यों? तुम्हें सांप कब से आवाजें दे रहे, जल्दी ऊपर आओ। जी मैं यार। रुको, I don't care. मैं आ रही हूँ, I'm coming. कहाँ जा रही हो? पप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम कहाँ जा रही हो? मेहंदी को धूप लगाने जा रही हूँ। पहले अपने रंग का तो कुछ कर लो जो उड़ा जा रहा है, और अगर धूप ही लगानी है मेहंदी को तो ऊपर टेरेस पे लगाओ। बाहर कहाँ जा रही हो? 10 मर्द हैं, नौकर हैं, गार्ड हैं, कजन्स हैं, मतलब लड़कियों को ऐसे ही तो माइयों नहीं बिठाते ना। पप्पू आपको साथ ढूंढ रहा है। पर मैं तो अपने कमरे में थी। अब आया था ऊपर आपको ढूंढता हुआ, पूछ रहा था अम्मी को कहीं देखा है। ये ऊपर कहाँ दंदनाता फिर रहा है, दो दो लड़कियाँ माइयों बैठी हैं। अब आप ही समझाए ना। हाँ मैं करती हूँ इससे बात। और तुम कहाँ चली? पप्पू बाबा से मिलने। ओ भाई मत जाओ बाहर, इस वक्त कह रही हूँ लेकिन नहीं सुनेगी ये लड़की। ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप प्यार नहीं करती, आप सारा से जीतना चाहती हैं। जो मोहब्बत करते हैं ना वो तो बस बंद आंखों के साथ ही देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि आंखें खोले ना तो सिर्फ फुफ्फो ही नजर आती है। डरता नहीं हूँ मैं, प्यार करता हूँ अपनी अम्मी से। हाँ, प्यार करते हो अम्मी से, इसीलिए ना अम्मी तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करने देती। You are so mean. क्या करूँ, ऐसी हूँ मैं। वो उठ चुकी होंगी और तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी होंगी, तुम्हें ना पाके ना उन्होंने पूरे घर सर पे उठाया हुआ होगा। ठीक है, जब घर में तुम नहीं मिलोगी ना तो उस गुनाह का सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, इस बात की तुम टेंशन नहीं लो, उन्हें पता है उन्होंने कितना फट्टू बेटा पैदा किया है, तो तुम पे शक नहीं करेंगी। व्हाट? ठीक है, अपने काम फिर तुम खुद ही करो, मैं तो चलता हूँ। हे, एक मिनट भी बात सुनो, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगी, ये भी सोच लो कि वो क्या क्या स्टोरी सुना सकती हूँ। होती ना तुम्हारी माँ तो फिर तुमसे पूछता है ना, माँ को डील करना कितना मुश्किल काम है। चलो जल्दी। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से आई विल गेट दिस वन, बाबा विल लाइक इट। दो जवान जहान लड़कियां हैं, कोई सोने की अंगूठी है, यूं कोनों कुतरों में आप ढूंढते फिर रहे हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है, अभी 6 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, हम उनको क्या कहेंगे? आलम भाई मैं आपसे कहती थी ना, ये बिन माँ की बच्चियों को इतने लाड प्यार से नहीं पालना चाहिए। तुम तो चुप करो। मुझे करवा दें आप, जो बहन हूँ ना, मेहमान आएंगे उनको क्या चुप कराएंगे हम। यार मुझे सोचने का मौका दो। हाँ ये साथ कहाँ है? साथ तो सुबह ही चले गए थे। अच्छा, वो घर गया था अपनी किताबें लेने के लिए, एग्जाम्स है ना उसके, तैयारी करनी है उसमें। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नहीं सुना? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सुन के एंजॉय भी कर लिया आपने। अरे कैसे एंजॉय कर सकता हूँ जबकि मेरा परफेक्ट डांस पार्टनर एक कोने में अकेला खड़ा है। तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी चली गई थी तुमने मेरे पास आके क्या कहा था? क्या मैं आपकी डांस पार्टनर बन सकती हूँ? Yes, for sure. That's like my daughter. बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ज़ारा जीत गई। बेटा जीती तुम हो। देखो जब तुम इस दुनिया में आए ना तो हम तुम्हारे पेरेंट्स बने, तो लिहाजा इस जीत को कोई नहीं हरा सकता। You will always be my first love. और ये भी बता दे कि मैं कौन सा वाला लव हूँ? तुम्हारा केक काटने वाला। Okay,
क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी लग रही हो तुम इन कपड़ों में। और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, जाओ चेंज करके आओ। बल्कि रुको, मैं बताती हूँ क्या पहनना है। क्यों भाई? क्योंकि शादी मेरी है और हर चीज मेरी मर्जी की हो। चलो उठो, आओ उठो, इधर आओ। ज़ारा इतने काम है करने वाले, क्या कर रही हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। यहीं ठहरो, बल्कि ऐसा करो, आंखें बंद करो। आंखें क्यों? आंखें बंद करो ना। अच्छा, आंखें खोलना नहीं। साथ, क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था आंखें खोलने को कहा था। वाओ, तुमने मेरे लिए शॉपिंग की? हाँ, एक्चुअली तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुर्ता ले आई थी। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया है? जैन के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो ये कुर्ता देख के मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसे फौरन ले लिया। शॉपिंग के लिए किसी और के लिए गई थी, ख्याल किसी और का आया, कहीं ये खुदा के इशारे तो नहीं? साथ, अच्छा देखो, अच्छा लग रहा है ना कुर्ता? या मैं कुर्ते में तुम? अरे 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 साथ, मेरी रुखसती कल है, आज नहीं। तुम्हारे तो आंसू निकल आए मेरी जुदाई में। तुम्हारी जुदाई पर नहीं सारा, खुदा की खुदाई पर। थैंक यू। जब इतने दिन मेरी कोई याद नहीं आई तो अब क्यों? और अब जब 3 दिन बाद मेरी शादी है तो अब बात करने का क्या फायदा? सारा, मैं वापस आ गया हूं। तो एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर, या किसी ने एहसास दिलाया आपको? सारा, सारा क्या हुआ? किसका फोन था, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो मेरी दोस्त है ना सादिया, उसकी कॉल आई थी। वो कह रही थी मैं नहीं आऊंगी, तो मैं उसी को डांट रही थी। सादिया तो नीचे आई हुई है। सादिया? नीचे? मैं इस सादिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये दूसरी सादिया है, तुम नहीं जानती। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। चलो सारा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरी वजह से फंस रही हो? तुम ये बात मुझसे आज ही क्यों पूछ रही हो? पता नहीं क्यों ऐसे दिल में ख्याल आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने दिल में ऐसी बात आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारे और जैन के दिल को खतरा पहुंचे। चलो।